हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास टेंथ जनरल इंग्लिश का लेसन 15 इन मेमोरियम। इसके हाउ मच है आई अंडरस्टूड सेक्शन ए को, टोटल 6 क्वेश्चन हैं, वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू गिव अप इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। जो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो कवि है वो हमसे किस बात को त्यागने की बात कहता है। तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में द पोएट वांट्स टू गिव अप द फर्स्ट, जो कवि है वो झूठ, वॉन्ट्स अर्थ टू गिव अप द फॉल्स। पहले स्टेंजा में कभी हमसे झूठ को त्यागना या त्यागने के लिए कहता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल। जो मरे हुए लोग हैं उनकी यादों के बारे में जो कवि है वो क्या कहता है। इसका आंसर है अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल, मरे हुए लोगों की यादों के बारे में द पोएट सेज, जो कवि है वो कहता है कि इट इज सच अ ग्रीफ दैट सेफ द माइंड, यह एक प्रकार का दुख है जो हमारे मस्तिष्क को चूस लेता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट शुड अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशंस बी। जो पुराने रीति रिवाज हैं उनका एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट कौन सा है या क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है इट कैन बी प्रॉपरली रिप्लेस्ड बाय द नोबलर मूड्स ऑफ लाइफ विद स्वीटर मैनर्स एंड प्योरर लॉ। इसको जीवन के जो उच्च आदर्श हैं जिनको मधुर तरीकों से और शुद्ध नियमों के साथ में इसको प्रॉपर रिप्लेस किया जा सकता है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज सैड सॉन्ग्स, अपने दुख भरे गीतों के बारे में कभी क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो आपसे पूछता है। तो इसका आंसर है अबाउट हिज सैड सॉन्ग्स द पोएट से दैट वी शुड से देम गुड बॉय। अब अपने जो दुख भरे गीतों के बारे में जो कवि है वो कहता है कि हमें उनको गुड बाय कह देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डज द पोएट वांट इन प्लेस ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ। धन की जो लालच है उसके बदले में कवि क्या चाहता है। तो इसका आंसर है ही वांट्स द थाउजेंड्स ईयर ऑफ पीस। He wants the thousand years of peace in place of greed for wealth। धन की जो लालच है उनके बदले में जो कवि है वो हजारों सालों की शांति को चाहता है। कंप्रहेंशन ए का सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर अ वॉर कल्चर बी। जो वॉर कल्चर है उसका एक उचित रिप्लेसमेंट क्या होगा। तो इसका आंसर है अ थाउजेंड ईयर्स ऑफ पीस, हजारों सालों की जो शांति है वुड बी अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वॉर कल्चर। हजारों सालों की जो शांति है वो वॉर कल्चर का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो ये था हमारा कंप्रहेंशन सेक्शन ए, टोटल 6 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो है सेक्शन बी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।